हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्न विद धृतिमन। बच्चों, मैं हूं अरुण सिंह और हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी। और आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी एनसीईआरटी की बुक से। क्लास आपकी है 6, चैप्टर नंबर है आपका 5 और चैप्टर का नाम है आपके पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल में हम पढ़ते क्या है? हम पढ़ते हैं जलमंडल, वायुमंडल और भूमंडल के बारे में। इनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। हम बात करेंगे कि वायुमंडल में क्या होता है, जलमंडल में क्या होता है और स्थल मंडल जो बोलते हैं, भूमंडल जिसे कहते हैं, उसमें क्या है। तो सबसे पहले तो इन नामों की उत्पत्ति के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो ये हम बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो ग्रीक भाषा की शब्द से इनकी उत्पत्ति हुई है। लिथोस का अर्थ है पत्थर। लिथोस का मतलब क्या हुआ बच्चों, देखो जो आपका भूमंडल है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे लिथोस्फेयर। स्फेयर का मतलब गोला और लिथो मतलब, वो आपको पता है लिथो मतलब क्या होता है, पत्थर, यानी पत्थर का गोला यानी भूमंडल। तो हम इसको किस तरीके से जानते हैं, लिथोस्फेयर। तो भूमंडल को इंग्लिश में आप क्या कहा जाता है, लिथोस्फेयर। इस तरह वायुमंडल को क्या कहा जाता है, एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर, ठीक है। तो एटमोस्फेयर का यहाँ पे एटमोस्फेयर का मतलब क्या हो गया बच्चों, एटमोस का अर्थ हो गया वाष्प, ठीक है, यानी वाष्प का गोला। स्फेयर यानी गोला, एटमोस्फेयर है ना। फिर थूटर का अर्थ क्या है, जल। और इसी बेसिस पे आपके जो जलमंडल है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आपका हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ठीक है, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसमें आपने ये देखा ग्रीक भाषा से इसको लिया गया, लिथोस का अर्थ क्या हो गया पत्थर, एटमोस का अर्थ हो गया वाष्प और थूटर का अर्थ हो गया जल। और इन्हीं से क्या बना है, लिथोस्फेयर, एटमोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, यानी भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। तो ये आपको निश्चित रूप से याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है, मानव यहां जीवन जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। पृथ्वी की सतह एक ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीन महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर घेरती हैं उसे क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जल वाष्प सम्मिलित हैं। यानी आपकी चाहे आपकी हिमालय पर्वत पर चढ़ी हुई बर्फ की चादरें हों या समुद्र का पानी, ये सभी किस अवस्था में माना जाएगा, जलमंडल के तौर पर माना जाता है। आगे देखते हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। यानी जीवमंडल क्या है बच्चों, जीवमंडल वो है जहां पे आपके सभी प्रकार के जीवन पाने में सक्षम होता है, जीवन जहां पाया जाता है। और ऐसी स्थिति पे स्थल, जल और हवा का एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। और जिसको हम क्या कहते हैं, बायोस, यानी बायोस्फीयर बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बायोस का मतलब क्या हो गया, जीवन। तो चलिए अब हम बात करते हैं भूमंडल के बारे में, डिस्क्रिप्शन में। तो पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवन के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। बड़े स्थलीय भूभागों को किस नाम से जाना जाता है, महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। और बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है, जिसको आप समुद्र के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसमें चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे आपस में जुड़े हुए हैं, तो चलिए देखते हैं आगे का मैटर। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये क्यों ध्यान रखिएगा वो भी बताता हूँ। देखिए, जब भी आप किसी चीज की ऊंचाई का मापन करते हैं, चाहे वो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात हो या मोरियाना की गर्त की बात हो, यानी पूरे विश्व की सबसे गहरी खाई की बात हो, या फिर सबसे ऊंचे स्थल की बात हो यानी माउंट एवरेस्ट और मोरियाना गर्त, या फिर आपकी किसी रेलवे स्टेशन की ऊंचाई देखनी हो आपकी, आपने अक्सर देखा होगा जब रेलवे स्टेशन जाते हैं तो जब आपने कभी बोर्ड देखा होगा तो बोर्ड पे ध्यान से देखेगा, उसमें नीचे लिखा होता है इतनी ऊंचाई पर स्थित। ये जो ऊंचाई होती है ये समुद्र तल से देखी जाती है, ठीक है। तो हम अगर स्थल पे या कहीं पे भी पूरी पृथ्वी पर अगर कहीं पे ऊंचाई बताते हैं तो वो कहाँ से मापन होता है उसका, उसका समुद्र तल से उसका मापन किया जाता है। तो इस और क्यों किया जाता है, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर समुद्र तल समान होता है और इसी वजह से हम जो भी चीज की ऊंचाई मानते हैं तो एक ऐसा पैमाना तो होना चाहिए ना जो फिक्स हो, तो इसके लिए हम समुद्र तल को उसको मानक मानते हैं, ठीक है। तो स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है और स्थल की ऊंचाई को माना किया जाता है तो उसको शून्य मानकर चला जाता है, ठीक है।
चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। तो इस मैप को देख लेते हैं एक बार। इस मैप में क्या है? इस मैप में आपकी पूरी जो पृथ्वी का जो आपका मैप दिया है, इसमें देखो प्रशांत महासागर ये क्या है, ये हमारे पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है, और ये लगभग एक तिहाई जल मंडल का भाग लेता है। एशिया की बात करें तो ये हमारे पृथ्वी का सबसे बड़ा स्थल मंडल का एक तिहाई भाग लेता है, और ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये क्या है? प्रशांत महासागर आपका महासागर है। तो जैसे प्रशांत महासागर हो गया, आपका अटलांटिक महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, और आपका दक्षिण महासागर हो गया, ठीक है, और आपका आर्कटिक महासागर हो गया। कौन कौन से हो गए? प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आपका आर्कटिक महासागर। तो इस तरीके से आपके पास पांच महासागर हैं, ठीक है, और पांच महासागर में जो सबसे बड़ा कौन सा है? आपका प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की बात करें तो ये लगभग लगभग कुछ हद तक वो वृत्ताकार शेप बनाता है अपनी एक तरीके से, लगभग लगभग, है ना। तो इसी वजह से इसकी शेप कैसी मानी जाती है? वृत्ताकार टाइप की मानी जाती है। लेकिन जब बात करें आपके अटलांटिक महासागर की ही, तो ये कुछ किस प्रकार की, एस प्रकार के, एस जो आपका अल्फाबेट होता है उसके टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, ठीक है। हिंद महासागर की बात करें तो ये इसको हम मानते हैं कि ये कुछ त्रिभुजाकार आकृति बनाते हुए दिखाई देता है, ठीक है। दक्षिण महासागर की बात करें तो दक्षिण महासागर तो ये, और दक्षिण महासागर ने क्या कर रखा है? अंटार्कटिक जो आपका महाद्वीप है, ये क्या है? अंटार्कटिक महाद्वीप है, और इसको चारों तरफ से घेरा हुआ है, इसने कंप्लीटली कवर्ड किया हुआ है, और इसके बीच में क्या है? आपका दक्षिण ध्रुव है। इसी तरह ऊपर की तरफ चले तो आर्कटिक महासागर है, उसमें उत्तरी ध्रुव को पूरी तरीके से घेरा हुआ है, ठीक है। तो वहां पे क्या है? उत्तरी ध्रुव है, और यहाँ पे नीचे की साइड में क्या है? यहाँ आपका दक्षिण ध्रुव हो जाता है। फिर बात करें और हिस्सों के बारे में, देखो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये क्षेत्र कैसा है? ये क्षेत्र कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ये क्षेत्र इस तरीके से बना हुआ है, और ऐसी जो जगह होती है वो कहलाती है दंतुरित। क्या कहलाती है? दंतुरित। तो दंतुरित जो रेखा है क्यों होती है? दंतुरित दंतुरित होने से क्या फर्क पड़ता है और क्यों ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है? तो उसका रीजन क्या है? जब ये जब ट्रांसपोर्टेशन के लिए अब दूसरे देशों से बड़े बड़े जहाज आते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक जगह चाहिए होती है, तो वहाँ ऐसी स्थिति के लिए ये जो कंडीशन है वो बहुत आइडियल मानी जाती है, इस टाइप की, या फिर कहें इस टाइप की, या फिर कहें ये जो दंतुरित भाग है ये आपके व्यवसाय जो ट्रांसपोर्टेशन है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है ना। इसके बाद बात करते हैं महाद्वीपों के बारे में। तो महाद्वीपों में सबसे बड़ा आपका कौन सा हो गया? आपका हो गया एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप एक तिहाई भाग, यहाँ पर ही क्या स्थित है? माउंट एवरेस्ट स्थित है, जहाँ पे क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा स्थल माना जाता है ना। हैवी प्रशांत महासागर में आपका मौरियाना गर्त है, और प्रशांत महासागर में मौरियाना गर्त क्या है? जो अपनी पृथ्वी की सबसे गहरी खाई मान लीजिए समुद्र के अंदर, जो करीबन 11 किलोमीटर समुद्र में नीचे है, समुद्र तल से कितनी गहराई पे? करीबन 11 किलोमीटर। और आपका जो माउंट एवरेस्ट है वो लगभग 8848 मीटर ऊंचाई पे स्थित है। तो दोनों में कितना अंतर है? यानी आपका पूरा हिमालय मौरियाना गढ़ में समा सकता है, इतना गहरा है मौरियाना गढ़। इसके बाद बात करें अफ्रीका की, तो देखो अफ्रीका से तीनों लाइनें निकलती हैं। कौन कौन सी? कर्क रेखा भी निकल रही है, विषुवत रेखा भी निकल रही है, और आपकी मकर रेखा भी निकल रही है। और ये तीनों की तीनों रेखाएं, इकलौता ऐसा महाद्वीप है ये अफ्रीका जिसे तीनों रेखाएं निकलती हैं, क्योंकि किसी भी महाद्वीप से तीनों रेखाएं नहीं निकलती हैं। आपके महाद्वीप कौन कौन से? आपका एक तो एशिया हो गया, एक आप अफ्रीका हो गया, एक आपका दक्षिण अमेरिका हो गया, उत्तर अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया आपके पास, और आपके पास ऑस्ट्रेलिया हो गया, और आपका अंटार्कटिका हो गया। जी हाँ बिल्कुल, अंटार्कटिका भी एक महाद्वीप है। तो आपने देखा। फिर बात करें दक्षिण अमेरिका की, दक्षिण अमेरिका में क्या है? एंडीज पर्वतमाला है, जो इसकी सबसे लंबी पर्वतमाला मानी जाती है ना। और सबसे गर्म जो रेगिस्तान क्षेत्र है वो कहाँ पे देखने को मिलता है? वो अफ्रीका में। और वो तो स्वाभाविक भी है, क्योंकि आप देख सकते हैं जहाँ से विषुवत रेखा बीच में से निकल रही है और जहाँ पे ऐसी स्थिति है, तो निश्चित रूप से यहाँ का क्षेत्र जो है सर्वाधिक गर्म देखने को मिलेगा ही। और यहाँ पे सहारा मरुस्थल है जो कि विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल माना जाता है। यहाँ पर नील नदी भी है जो विश्व की सबसे लंबी नदी कही जाती है। ये उत्तर अमेरिका है जिसमें रॉकी माउंटेन देखने को मिलता है, अमेजन नदी जिसको हमारी विश्व का जो फेफड़ा है ना माना जाता है, जो आपका अमेजन के जंगल है वो भी यहाँ पर ही स्थित है, ठीक है। तो ये सारा जो मैप है ये हमें बताता है कि ये जो महाद्वीप और महासागर है किस प्रकार फैले हुए हैं। तो चलिए आगे हम और देखते हैं इसके बारे में। विश्व का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से कितना ऊंचा है? 8848 मीटर ऊंचा है। और विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में जो स्थित है मौरियानगर, वो कहाँ पे स्थित है? प्रशांत महासागर में। कितना गहराई में स्थित है? 11,022 मीटर गहरा है, लगभग 11 किलोमीटर। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? चलिए आगे देखते हैं।
क्या आप जानते हैं वाले इस ब्लॉक को देख लेते हैं। न्यूजीलैंड के एडवन हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नॉर्गे शेरपा, इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। इन्होंने 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की जुंको तोबी विश्व की पहली महिला थी जिन्होंने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। और भारत की पहली महिला की बात करें तो वह है बचेंद्री पाल, जो कि 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना पहला कदम रखा। अब बात कर लेते हैं महाद्वीपों के बारे में। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, जिनको अभी आपने देखा था मैप के अंदर। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका हैं। विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। बिल्कुल सही, क्योंकि आपने देखा जब मैप को देखा तो हमने देखा था कि जो मैक्सिमम जो भूमंडल का जो भाग है वो उत्तरी गोलार्ध की तरफ है। आगे देखें, बात करें एशिया की, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के एक तिहाई भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप कहाँ स्थित है? यह आपका पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और जब हमने इससे पहले बात की थी पृथ्वी के बारे में, तो हमने जब कर्क, मकर रेखा, विषुवत रेखाओं के बारे में, देशांतर और अक्षांश रेखाओं के बारे में बात की थी, तो हमने पृथ्वी को कुछ भागों में बांटा था। और हमने देखा था कि पृथ्वी को जब हमने बांटा तो हमने इसके चार हिस्से किए थे। और चार हिस्सों में क्या था? एक इस तरीके से था और एक इस तरीके से था। तो ये ऊपरी भाग है, ये कौन सा है? उत्तरी भाग। ये आपका दक्षिणी भाग हो गया, ये आपका पश्चिमी और ये आपका पूर्वी। तो यहाँ पर जो एशिया महाद्वीप है वो कुछ इस हिस्से में देखने को मिलता है। इसको हम बोलते हैं कि ये कहाँ पे स्थित है? ये आपका पूर्वी गोलार्ध में भी स्थित है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है और एशिया के पश्चिम में क्या है? यूराल पर्वत है, जो यूरोप से इसको अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरोप यूरेशिया कहा जाता है। यानी यूरोप और एशिया से मिलाकर क्या बना? यूरेशिया बना। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह तीन तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए या इसकी स्थिति का पता लगाइए। तो यूरोप के बारे में आपने देखा था, यूरोप किससे अलग है? एशिया और जो यूरोप है वो स्थल से भाग से जुड़े हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, यूरोप और एशिया की कंबाइंड जो जगह है उसको क्या बोलते हैं? यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। किससे अलग किया जाता है इसको? तो यूराल पर्वत से ये यूरोप और एशिया आपस में अलग है, ठीक है। और ये कहाँ पे स्थित है? यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है और आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह तीन तरफ से जल से घिरा है और विश्व के मानचित्र को देखिए इसकी स्थिति का पता लगाइए। आगे देखें, अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त यानी 0° अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। यही क्या है? यही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क, विषुवत और मकर रेखाएं तीनों गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। कौन सा है? सहारा का। और ये कहाँ पे है? ये आपके अफ्रीका में है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी जो कौन सी है? नील नदी। वो भी कहाँ पे है? आपकी अफ्रीका से होकर गुजरती है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, जो अफ्रीका से होकर गुजरती है। और अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। उत्तर अमेरिका की बात करें तो उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपका उत्तर अमेरिका। तो सबसे पहला बड़ा भाग कौन, सबसे बड़ा जो महाद्वीप था वो कौन सा था? एशिया था। दूसरे नंबर पे आपका अफ्रीका हुआ और तीसरे नंबर पे क्या हो गया? उत्तर अमेरिका। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, है ना। ये आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है कि उत्तर अमेरिका और जो दक्षिण अमेरिका है, पहली बात तो संधि क्या होती है? देखो क्या होता है, किसी बड़े स्थल भाग को या जल भाग को जोड़ने वाली जो संधि होती है उनको क्या कहा जाता है? स्थल संधि या जल संधि। तो देखो यहाँ पर ये जो स्थल भाग है ये आपके कौन से? दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका के भाग हैं यहाँ पे। तो इसको जो जोड़ रही है वो क्या कहलाएगी? वो आपकी स्थल संधि कहलाएगी। और ये कौन सी है? ये आपकी पनामा स्थल संधि है। ये आपकी कौन सी है? पनामा स्थल संधि कहलाती है। और यहाँ पे अब बात करें, यहाँ पे भी तो अपनी जल राशि को जोड़ता है ये कौन सी है? जल संधि है। और जल संधि को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य। और हमने इसके बारे में पहले भी बात की हुई है। चलिए आगे देखते हैं,
कहा जाता है यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तर एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप तीन महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? ये किसके बारे में बताया है? उत्तर अमेरिका के। तो ये माना जाता है कि ये जो हिस्सा है ये आपका कंप्लीटली उत्तरी गोलार्ध में है, और ये आपका कैसा है, ये आपका कंप्लीटली दक्षिणी गोलार्ध में है। इन कुछ भाग इसका वास्तविकता में देखने को, ये हिस्सा भी इसका उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन लगभग हाँ ऐसा कहा जा सकता है कि ये उत्तरी अमेरिका उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिण अमेरिका दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप की बात करें तो दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से दो महासागर स्थित है जिसकी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है? हमने देखा था यहाँ पे जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला हमें देखने को मिली थी, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो आपकी अमेजन नदी है, और यहाँ पे जो अमेजन नदी बहती है, और इसी के साथ यहाँ पे अमेजन के जंगल भी हैं, जो आपके जो पृथ्वी के फेफड़े के तौर पे जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है आपका? ऑस्ट्रेलिया है, जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ये चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्र से घिरा है, और इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। तो याद रखिएगा। अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिका कैसा है आपका? दक्षिण ध्रुव की तरफ का क्षेत्र है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ पे आपके शोध संस्थान, यहाँ इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है, यहाँ बर्फ की मोटी मोटी चादरें हैं, तो यहाँ टेक्निकली ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि जीवन हो, तो इस तो परमानेंट मानव आवास तो संभव ही नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर केवल शोध केंद्र बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे रिसर्च सेंटर्स बनाए हुए हैं अलग अलग देशों के, और हमारे जो रिसर्च सेंटर है उनका नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री के नाम से इसको जाना जाता है। तो चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। एक बहुत बड़ा महाद्वीप है अंटार्कटिका, जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी ध्रुव एवं महाद्वीप के मध्य में स्थित है। क्योंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थानीय मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ पे है, जिसका नाम है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। आगे बात करें जलमंडल के बारे में, तो जलमंडल के बारे में आपको पता है हमारी पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। और यही कारण है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जल बहुतायत मात्रा में अवेलेबल है। पृथ्वी का लगभग 71% भाग जो है ऊपर जो दिखाई देता है, तो 71% भाग क्या है? जल से परिपूर्ण है। और जो रिमेनिंग जो पार्ट है 29% वो ही क्या है? स्थल भाग है। और स्थल भाग में आपके सारे महाद्वीप सम्मिलित हो जाते हैं, और आपका जो जलमंडल है इसमें सारे महासागर भाग सम्मिलित हो जाते हैं। लेकिन जलमंडल में क्या केवल समुद्री भाग ही सम्मिलित होता है? नहीं, जलमंडल में वो भाग भी सम्मिलित होता है, चाहे वो आपका हिमालय पे चढ़ी हुई मोटी मोटी बर्फ की चादरें हों, या फिर समुद्र तल में स्थित पानी हो, या फिर आपका भूमिगत जल हो, जैसे आपकी सरस्वती नदी है जिसको आप बोलते हैं भूमिगत जल है इसमें। तो ये सब क्या है? ये सब की सब जलमंडल के तहत आते हैं। तो जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जल वाष्प भी सम्मिलित हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। वह इतना अधिक खारा होता है कि वो पीने के योग्य नहीं होता है ना, मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है। अलवण जल का मतलब हो गया नमकीन पानी और बिना नमक का पानी। तो अलवण जल क्या है? जिसमें नमक ना हो, जो नमकीन ना हो। और हम सामान्य तौर पर कैसा पानी पीते हैं? अलवणीय जल पीते हैं, है ना। हमें शुद्ध जल चाहिए होता है पीने के लिए, लेकिन ये समुद्र में जो मैग्नियम पानी है वो कैसा है? लगभग जो टोटल भूमि हमारे पास जो जल है टोटल पूरी पृथ्वी पर अवेलेबल है, उसका 97% जो भाग है वो कैसा है? वो लवणीय है, मतलब वो नमकीन है और हमारे पीने योग्य नहीं माना जाता। इसलिए इतना बड़ा था सागर होने के बावजूद भी हमें क्या होती है, पानी की समस्याएं महसूस होने लगती है। तो जो मनुष्य के इस्तेमाल में नहीं होता, यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। महासागरों के बारे में बात करें तो महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की तीन प्रमुख गतियां हैं। कौन कौन सी हो गई आपकी? तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं, तीन आपको ये विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। आपकी तरंगे हो गई, दूसरा आपका ज्वार भाटा हो गया, और तीसरा आपकी महासागरीय धाराएं हो गई। तो देखिए इसके लिए तो सामान्य तौर पर जब हमने बात करी थी मानसून की बारे में, हम बात कर रहे थे तो प्रभाव महसूस कर रहे थे कि सूर्य जब इधर से उधर जाएगा तो मौसम में क्या परिवर्तन होगा, तो सामान्य तौर पर वो कारण बनता है महासागरीय धाराओं का। ज्वार भाटा ये सूर्य की गति जो है दैनिक गति है, भारत सॉरी चंद्रमा की और सूर्य की,
इनकी वजह से ज्वार भाटा जो आप हर 15 दिन में आपका पूर्णिमा और आपका अमावस्या आती है उसके हिसाब से आपका ज्वार भाटा भी देखने को मिलता है। तरंगे एक सामान्य प्रक्रिया है जो सामान्य तौर पर पैदा होती रहती है। तो इस तरीके से ये तीन मुख्य गतियां हैं जो जल में देखने को मिलती हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर अगर देखें तो आपका पहला आपका कौन सा आता है, प्रशांत महासागर, फिर आपका अटलांटिक महासागर, फिर आपका हिंद महासागर, फिर आपका दक्षिण महासागर और फिर आपका आर्कटिक महासागर होता है। आगे देखते हैं, देखो यहाँ पे आगे पढ़ने से पहले एक बार देखते हैं ये दंतुरित तट रेखा क्या है। दंतुरित, अब यहाँ से कोई जहाज आता है तो अब अगर इस टाइप का जगह होगी तो एक जहाज यहाँ रुक जाएगा, एक जहाज, तो यहाँ पे उनको रुकने के लिए बहुत सारी जगह होगी। अब जहाज कोई छोटे मोटे तो होते नहीं, बहुत बड़े बड़े ट्रांसपोर्टेशन में जो यूज होने वाले होते हैं बहुत बड़े बड़े जहाज आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये जो दंतुरित भाग है, दंतुरित मतलब दांत जैसी आकृति बनाते हुए भाग भाग निकले होते हैं, तो ये व्यावसायिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दंतुरित तटरेखा। अब देखते हैं इसके बारे में, तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, यह पृथ्वी की एक तिहाई भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मौलियानागढ़ प्रशांत महासागर में स्थित है, हम ये देख चुके हैं। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, ध्यान रखिएगा। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र 5 पॉइंट को देखिए, प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। आपको देखो उस मैप को अच्छे से देखना है, आपको देखना है कि प्रशांत महासागर किन महाद्वीपों से अटैच है या फिर कहें कि महाद्वीप किन महासागरों से घिरे हैं, तो ये चीजें आपको याद भी होनी चाहिए और आपको अच्छे से देखना चाहिए उसको। अटलांटिक महासागर की बात करें तो अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और इसकी आकृति कैसी है, ये एस अक्षर की आकृति बनाता है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। ठीक है, इसके पश्चिमी किनारे पर कौन है, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है, अटलांटिक महासागर की जो तटरेखा है वो बहुत अधिक दंतुरित है और यह अनियमित दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पौत्राश्रय एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है, कौन सा, आपका अटलांटिक महासागर, तो आपको याद रखना है। ये हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है, इनकी आकृतियों से संबंधित अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कौन से महासागर को किस प्रकार की आकृति देखने को मिल रही है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक समस्या और देखने को मिलेगी कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग प्रकार की आकृतियां बताई गई हैं, लेकिन फिर आपको क्या करना है ऐसी कंडीशन में, आपके अगर ऑप्शन अगर इस टाइप के आ गए जो कॉन्ट्राडिक्टरी हुए तो क्या करोगे, तो आपको देखिए जब आप सेंट्रल लेवल का एग्जाम देंगे तो आपको इंपॉर्टेंट किसको मानना है, आपको मानना है एनसीईआरटी में जो लिखा है, या फिर राज्य स्तरीय किसी एग्जाम को आप दे रहे हैं तो उसमें आपको किसको इंपॉर्टेंट मानना है, उसमें आपको उसको मानना है जो उस बोर्ड की बुक्स हैं, जिस राज्य से संबंधित जो बुक्स लगाई गई हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उस बुक में जो लिखा है वो आपको सही मानना है। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। तो ये महासागर का यहाँ पे आपको तीनों का आकार आपको पता चल गया, किस प्रकार की आकृति बनाते हैं ये भी आपको पता चल गया। चलिए आगे देखते हैं, इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। अटलांटिक महासागर के बाद हम पढ़ रहे थे हिंद महासागर की बात, तो हिंद महासागर का नाम किसके किसी अन्य देश के नाम पर रखा गया है। ये महासागर लगभग त्रिभुजाकार है और इसके उत्तर में एशिया, अब पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिण महासागर अंटार्कटिक महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। ये अंटार्कटिक महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण स्थान तक फैला हुआ है। ठीक है, आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव व्रत में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, बेरिंग जल संधि क्या है, तो प्रशांत महासागर और आपके आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और आपके आर्कटिक महासागर है, इनको जो जोड़ता है तो उसको क्या है, वो बेरिंग जल संधि है। जैसे आपके भारत के नीचे क्या है, पाक जल डमरू बंध है जो समुद्र के दो बड़े भागों को आपस में जोड़ती है ना, उसी तरीके से आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन जोड़ता है, बेरिंग जल संधि जोड़ती है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। बात करें वायुमंडल की, तो वायुमंडल में देखो आपका क्षोभ मंडल हो गया, फिर समताप मंडल हो गया, फिर आपका मध्य मंडल हो गया, फिर उपरायन मंडल हो गया और फिर आपका बहिर्मंडल हो गया। तो ये सभी मंडल जब आप आगे की क्लासेस में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये सभी मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है और अपनी अपनी जगह बहुत सारी चीजें समेटे हुए हैं। क्षोभ मंडल की बात करें तो क्षोभ मंडल में जितनी भी आपकी जो मौसमी गतिविधियां होती हैं वो सामान्य तौर पर क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलती हैं। समताप मंडल में सामान्य तौर पर क्या होता है, आपके जो प्लेन्स हैं या बलून्स हैं ये समताप मंडल और मध्य मंडल में देखने को मिलते हैं। आयन मंडल, आयन मंडल में आपकी जितने भी तो सैटेलाइट से अक्सर आपके वो आते हैं जो क्या बोलते हैं संदेश वगैरह जो आते हैं या फिर कहें कि वेव ट्रांसमिशन जो होते हैं वो जो आते हैं वो सारे के सारे आयन मंडल के क्षेत्रों से सामान्य तौर आते हैं। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं,
वायुमंडल की बात करें तो हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है, एटमोस्फेयर कहा जाता है। वायु की पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाइयों तक फैला हुआ है। वायुमंडल कहाँ तक है? लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमानों तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल तथा आयन मंडल और वहिमंडल कहा जाता है। देखो, जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा, वायु की डेंसिटी, घनत्व तो कम होता है चला जाएगा। चलिए आगे और देखते हैं। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। क्या है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% है, तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑर्गन, ये सभी क्या है? मात्र 1% भाग में ही है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसी बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। और ये गर्मी कहाँ से आती है? ये सूर्य से आती है। सूर्य उसको अवशोषित करता है, सूर्य से अवशोषित करती है पृथ्वी, और पृथ्वी उसको होल्ड करने में कैसे सक्षम हो पाती है? उसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जिससे पृथ्वी बहुत गर्म रह पाती है। ये पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में विभिन्नता आती है, यानी जैसे जैसे हम ऊंचे जाते जाएंगे, वैसे वैसे वायु का घनत्व कम होता जाएगा, कम डेंस होती जाएंगी, है ना। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। कहाँ पे सबसे अधिक होगा? समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है, तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, यह तेजी से साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। यानी जैसे 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 मान लीजिए आप माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने जा रहे हैं, तो वहां स्पेशली आपको इस चीज के लिए तैयार किया जाता है कि आप सांस लेने में, आपको कम ऑक्सीजन, कम हवा मिलेगी, तो आप सांस लेने में कठिनाई महसूस नहीं करें, आप स्वस्थ रहें, उसके लिए आपको प्रशिक्षित बाकायदा किया जाता है। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि वहां पर वायु घनत्व बहुत कम होता है। ऊंचाइयों पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर तक ले जाना पड़ता है। और जैसे ये देखिए, आपका ये वायुमंडल हो गया, ये आपका स्थल मंडल, स्थल मंडल यानी आपका ये हिस्सा हो गया, और जलमंडल आपका ये हो गया। इसको हम छोटे से देख सकते हैं। इसमें ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे तापमान भी घटता जाता है। तापमान घटेगा, वायुमंडल पर पृथ्वी पर दबाव डालता है, वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है, और कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये आपके कंसेप्ट के आगे बहुत सारी चीजें क्लियर करने में बहुत मदद करेगी। तो अगर ये लाइन आपके समझ में नहीं भी आती है, तो भी इसको रट लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वायु जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, और गतिशील वायु को हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। गतिशील वायु को क्या कहा जाता है? पवन कहा जाता है। आगे बात करें जीव मंडल की, तो जीव मंडल स्थल जो है जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है, जहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए होते हैं। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जाता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं, तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए, तो इसे ढलुआ भाग, मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों, गाड़ियों को उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि अगर हो जाए, तो पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि हो जाती है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है, भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता होती है। और बच्चों, इसी के साथ आपका होता है ये चैप्टर समाप्त। करते हैं कुछ अभ्यास प्रश्नों की बात। तो अभ्यास प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं। तो अभ्यास प्रश्नों की बात करें तो पृथ्वी के चार प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? तो पृथ्वी के चार परिमंडल आपका, एक तो हो गया जीव मंडल, एक हो गया आपका स्थल मंडल, एक आपका हो गया जल मंडल, और एक हो गया आपका वायुमंडल, है ना। ये आपके हो गए। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। तो आपका प्रशांत महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, दक्षिण महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया,
और आपका आर्कटिक महासागर हो गया। दो महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित हैं। तो एक का एक तो आपका हो गया अंटार्कटिका, है ना, और दूसरा आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका हो गया एक तो आपका, और एक आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये दोनों की दोनों क्या किस में है, ये पूरे की तरह पूरे आपके दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ना। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए, तो वायुमंडल की विभिन्न परतें कौन कौन सी है आपकी, क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो हम जानते हैं पानी की अधिकता की वजह से, जिसमें करीबन 79%, 71% सॉरी 71% जिसमें जल है, तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, ये पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। फिर क्वेश्चन आप और देख लीजिए, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है, तो आपकी क्या होगी, यूराल पर्वत श्रृंखला होगी। उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है, तो आपकी स्थल संधि है, जिसको क्या बोलते हैं हम, पनामा स्थल संधि है। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो वो आपका नाइट्रोजन का जो है प्रतिशत सर्वाधिक है। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है, तो वो आपका स्थल मंडल है ना, जिसको स्थल मंडल भी कहा जा सकता है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग क्या है, तो ये आपका मौरियाना ग्रंथ है ना, मेरियाना ग्रंथ या मौरियाना ग्रंथ ग्रंथ के नाम से इसको हम जानते हैं, जो कहाँ स्थित है, प्रशांत महासागर। महासागर का नाम एक देश के नाम पे है, तो आपके हिंद महासागर का नाम जो है वो आपके किसके नाम पे स्थित है, भारत देश जो है उसके हिंदुस्तान के नाम पे है। स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है, ये क्या है, बायोस्फेयर यानी जीव मंडल। जीव मंडल जो है वो यहाँ पे तीनों मंडलों का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से जीवन संभव हो पाता है। यूरोप एवं एशिया की महाद्वीप को एक साथ क्या कहा जाता है, तो उसको आप यूरेशिया के नाम से जानते हैं, तो क्या जानते हैं, यूरेशिया के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो वो आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट है ना। चलिए तो इसी के साथ होता है बच्चों आपका चैप्टर समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।